नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपीएससी का एक बेहतरीन आपको जो है जॉब देखा जाए तो आपको आया है, और सबसे ज़्यादा पोस्ट है इसमें जो ईपीएफओ है। काफ़ी बच्चे ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हर 2 साल में, ऑलमोस्ट 2 से 3 साल में आपको देखने को मिलता है। हर साल देखने को नहीं मिलता है, 3 साल कभी हो सकता है या 2.5 साल में ये वैकेंसी निकलती है, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई है ये 2 पोस्ट के लिए आई है, और जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट अगर बात किया जाए तो वो ईपीएफओ में है। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरे डिटेल देख लेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है, कब आपके एग्जाम होंगे, सेंटर क्या है, फॉर्म कैसे फिल करना है आपको, क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर लें। अगर फॉर्म अगर नहीं फिल करते हैं तो आपके नियर अबाउट सेंटर नहीं मिलेगा आपको, फिर दूर जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। और इस चक्कर में कई बच्चे एग्जाम लास्ट टाइम मर जाकर अब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए आज ही से आप अपना सेंटर चूज करके फॉर्म फिल कर दें ताकि आपके नियर अबाउट सेंटर मिल जाए। उसके बाद से आपको तैयारी कैसे करनी है, स्टडी मटेरियल, क्योंकि सबसे बड़ा जो इसमें दिक्कत होती है बच्चों को जब प्रिपरेशन में जाते हैं तो ना ही ऑनलाइन कोई कोचिंग इनकी मिलती है, ना ही कोई स्टडी मटेरियल मिलता है। लेकिन हम इससे पहले भी ईपीएफओ का बैच चलाए थे और वो पीडीएफ बैच था, तो चांसेस यही है कि इस बार भी परीक्षा प्लस टीम जो है आपकी ईपीएफओ का बैच लेकर आएगी, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल के साथ कुछ वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, उसकी डिटेल आपको दूसरे वीडियो में बनाकर दे दी जाएगी। अभी मैं यहां पर डिटेल इस वैकेंसी के बारे में आपको समझाने आया हूं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि 2 पोस्टें हैं। एक तो आपका ईपीएफओ है, जो ईपीएफओ का फुल फॉर्म जो यहाँ पर देखिए, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंटेंट ऑफिसर की एक पोस्ट है आपकी इसमें। ठीक है, अब इसमें जो टोटल आपका एससी के 57 है, एसटी इतना है, ओबीसी इतना है, ईडब्ल्यूएस कितना सीट है, और यूआर की 204 है, और टोटल सीट बात करें तो 418 वैकेंसी है, 418 आपकी ईपीएफओ और अकाउंटेंट ऑफिसर जो होता है उसका मिलाकर अगर हम बात करें तो ये पोस्ट है। इसके लिए क्या चाहिए, बाकी डिटेल में आपको दिया गया है कि जो हैंडीकैप है उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो नोटिस में आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज की बात करें कि बच्चे कहते हैं कि सर को कितने वाले हो सकते हैं, लेवल 8 का आपका सैलरी यहां पर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से 30 ईयर एज जो होगा 30 ईयर तक ये आपके वैलिड है, 30 साल तक वैलिड है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसका, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, कोई खास आपसे मांगा नहीं है कि आप अकाउंटेंट के ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला ही आपका ये ईपीएफओ की पोस्ट है, प्रोविडेंट फंड वाली है, लेकिन इसमें कहीं भी किसी ऐसे पर्टिकुलर जो है क्वालिफिकेशन की मांग नहीं की गई है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, आप पास होना चाहिए, बस यही आप चीज को यहां पर मांगा गया है। उसके बाद से हम लोग देख लेते, दूसरा जो आपका पोस्ट है वो आपका है, दूसरी जो वैकेंसी है वो आपकी 150 है, 115 है, 159 है, 159 वैकेंसी है, और ये असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की है, एपीएफसी की वैकेंसी है ये। ठीक है, ईपीएफओ और एपीएफसी 2 पोस्ट आपकी निकली हैं, इनमें टोटल आपकी कितनी है, 159 पोस्ट है। और इसके लिए जो आपके एजुकेशन यहां पर एज जो है, यहां पर थोड़ा सा एज वाले में यहां पर चेंजेस है, उसके यहां पर एज जो है अपर लिमिट आपकी 35 साल है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, डिग्री ऑन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, कैसी डिग्री होनी चाहिए, जो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसमें, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा इसमें मांगा नहीं है आप लोगों से। हाँ, डिजायरेबल में मांगा है डिप्लोमा इन कंपनी ला या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, मगर कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं। हाँ, एक बार आप लोग जितना भी है वो फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए, अगर आपको नियर अबाउट सेंटर लेना है, नहीं तो फिर सेंटर खाली नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं तो फिर दूर दूर सेंटर मिलेगा, फिर कहोगे लास्ट टाइम में कि कौन जाएगा एग्जाम देने। आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। बोला है कि हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, लेकिन पोस्टिंग आपको इसके बारे में, मैंने ईपीएफओ का जॉब प्रोफाइल जब पहली बार मैंने इसको किया था, हमारे द्वारा जो वैकेंसी चलाई गई थी, वो आपकी ईपीएफओ की जॉब प्रोफाइल भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हो वहां से। ठीक है, अभी 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है, इसका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, मतलब पेन पेपर में होगा, एमसीक्यू मॉडल में होगा, यहाँ बोला है पेन पेपर बेस्ड आरटी टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा,
किसके लिए? इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए। उसके बाद असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर जो होगा, शैल बी कंडक्टेड बाय द कमिशन्स, बोथ द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड सेपरेटली। जो दोनों आपके टेस्ट होंगे आरटी टेस्ट, वो आपके अलग अलग होंगे, एक भी टेस्ट में दोनों का नहीं निर्णय होगा। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको जल्दी वेबसाइट पर बता दी जाएगी। सिलेबस क्या है आरटी की, जो इन्फो आपका ईपीएफओ का सिलेबस है वो ध्यान दे लो पहले, उसके बाद से हम लोग ईपीएफओ के सिलेबस को देख लेते हैं, फिर एपीएफसी के सिलेबस को हम लोग देखेंगे। देखो 2 घंटे का टेस्ट होगा आपका ये, ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स होगा, टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस होगा, टेस्ट आपका लैंग्वेज बोथ हिंदी और इंग्लिश में होगा, और आपके गलती पर 1/3 पेनाल्टी लगेगा, मतलब निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। सिलेबस क्या है, सिलेबस में देख लो, जनरल इंग्लिश आपके एकदम इंग्लिश में वोकैब्स पोर्शन ही अच्छा खासा इसमें पूछा जाता है, आप पेपर प्रीवियस देख लेना, इंग्लिश आपका आएगा। उसके बाद से हिस्ट्री में आपका कौन सा मॉडर्न हिस्ट्री बोला है, ठीक है, और क्वेश्चन अच्छे आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, यूपीएससी करा रही है तो पेपर का लेवल ठीक ठाक होता है, ठीक है। करेंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इशू से क्वेश्चन आएगा। देखो यहां पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लिखा हुआ है, मतलब आपका ना एंशियंट पूछेगा ना ही आपका मेडिवल हिस्ट्री पूछेगा, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पूछेगा, ठीक है। करेंट इवेंट्स आएंगे, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आएगा पूरा। फिर यहां जो पार्ट है थोड़ा ये वाला, यहीं से बच्चों को जो है स्टडी नोट्स और मटेरियल नहीं मिलते हैं, लेकिन टीम परीक्षा प्लस आपको ये पूरे प्रोवाइड कराएगी, पूरा एक पैकेज देगी स्टडी मटेरियल का। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, क्योंकि आपका जो वर्किंग होता है वो इन्हीं सब से रिलेटेड होता है, और इनके क्वेश्चंस आपके जनरल आते हैं, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद से जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के भी क्वेश्चंस आएंगे। जनरल साइंस में खासकर आपके जो साइंस टेक का पोर्शन है उससे क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। जनरल मेंटल एबिलिटी आपका मतलब रीजनिंग हो गया और क्वांट हो गया, उसके भी क्वेश्चन आपके 10-15 क्वेश्चन मिला के रहेंगे। फिर सोशल सिक्योरिटी, तो 3 आपके टॉपिक ऐसे हैं जो नया आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, अकाउंटिंग हो गया, लेबर लॉ हो गया और सोशल सिक्योरिटी हो गया, ये ईपीएफओ के लिए हो गया। वेटेज जो है 75% आपका जो वेटेज होगा वो आपके रिटर्न का होगा और 25 का वेटेज आपके इंटरव्यू का होगा, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल जो आपका बनेगा वो 75-25 पे बनेगा। और जो आपका एपीएफ सिप का पोस्ट है, दूसरी जो पोस्ट है, जो दूसरी पोस्ट है उसके सिलेबस पे अगर हम डिस्कस करें तो सब कुछ वही है, 2 घंटे का ये भी पेपर होगा। और यहां पर देखो जनरल इंग्लिश सेम चीज है, इंडियन कल्चर, यहां पर इंडियन कल्चर की बात किया गया है, इसका मतलब एंशियंट हिस्ट्री की बात पूछेगा। हेरिटेज हो गया, फ्रीडम मूवमेंट और करेंट इवेंट, तो यहां पूरा इतिहास आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ मॉडर्न से काम नहीं चलेगा, ठीक है, ओवरऑल, क्योंकि इंडियन कल्चर दे दिया तो इसका मतलब नहीं हेरिटेज हो गया, तो आपको थोड़ा उसमें जाना पड़ेगा, मॉडर्न मेडिवल वैसे भी जनरली कल्चर्स को भी देखना पड़ेगा। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको भी देखना है, ये भी नया टॉपिक है, ईपीएफओ से हटकर है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो गवर्नेंस का पार्ट यहां पर दिखाया है, वहां पर आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, गवर्नेंस जो मेंस में होता है उसका पार्ट यहां पर दिखाया है आपका एपीएफसी वाले में, ठीक है, तो थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं कि एक, हाँ कुछ चीजें आपको कॉमन मिल सकता है लेकिन कुछ चीजें आपको डिफरेंस मिलेगा। प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स का क्या ट्रेंड चल रहा है इस समय, उसके बारे में यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, वही है सेम चीज। फिर इंश्योरेंस है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहां पर एक बोल दिया, और जनरल साइंस, ये भी पॉइंट सेम है, उसमें भी जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछेगा, यहां भी पूछेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये भी है। स्टेटिस्टिक्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, तो ये पोर्शन तो ईपीएफओ में है, ये भी पोर्शन है, लेकिन ये पोर्शन नहीं है आपका, ये यहां पर आपका नया इंक्लूड किया गया है। फिर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये भी आपका ईपीएफओ की तरह है, तो मैक्सिमम चीजें जो हैं, हाँ मैक्सिमम चीजें आप देख लो कि यहां पर मैक्सिमम चीजें आपकी, चाहे सोशल सिक्योरिटी हो गया, चाहे ये हो गया, ये हो गया, जनरल साइंस, कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल, अकाउंटिंग, लेबर लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद से यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट वाला, करंट इवेंट वाला, इंग्लिश हो गया, ये आप एक ही बात जब ईपीएफओ की भी तैयारी कर रहे हो तो आपकी एपीएफसी की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके पोस्ट कम है 159, लेकिन पोस्ट बहुत जबरदस्त है, कमिश्नर की पोस्ट है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी सेम चीज है, रिटन टेस्ट का आपका 75% का वेटेज रहेगा, बाकी 25 का आपका इंटरव्यू का रहेगा, ठीक है। और एग्जाम बहुत जल्दी हो जाता है और अपॉइंटमेंट भी होता है, और इसीलिए ये सेंटर दिया है आपका, देख लो
इतने सेंटर बनाए गए हैं, और सेंटर इसलिए कहा गया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है। अगर फॉर्म जितना जल्दी फिल करोगे आपको नियर अबाउट सेंटर मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरे यूपी में, अगर जितना लेट करोगे यूपी में सेंटर ही नहीं मिलेगा, फिर कहीं इधर उधर भरोगे और लास्ट मोमेंट में ये होगा कि क्यों जाए इतना दूर एग्जाम देने। ठीक है, तो बच्चे बहुत कम बैठते भी हैं इस एग्जाम में जिसकी अच्छी प्रिपरेशन होती है। अगर आपसे प्रिपरेशन करनी है तो आज से ही लग जाइए इस एग्जाम के लिए, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। मिनिमम के 3 मंथ आपको मिलेंगे इस एग्जाम को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग की तैयारी कैसे करें, आखिर इस एग्जाम की शुरुआत कहां से करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हम भरना चाहते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है इसकी। अगर सैलरी के बारे में बात करोगे और चाहे जो भी प्रोफाइल है वो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको जाके आप सर्च करिएगा ईपीएफओ जॉब प्रोफाइल, वो आपको मिल जाएगी, उसे डिटेल देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा काम क्या करना है आपको। अब आते हैं कि कहां से तैयारी शुरू करें। बाकी आप इंडियन फ्रीडम पढ़ लोगे, करंट पढ़ लोगे, पढ़ते आए हो हर एग्जाम के लिए, पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ते आए हो वो पढ़ लोगे, जनरल साइंस पढ़ लोगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन जनरल क्वेश्चन आते हैं वो भी कर लोगे, एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी कर ले जाओगे। लेकिन जो चीजें नहीं है, यहां पर आ जाओ, थोड़ा समय बता दूं, जो चीजें नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ना ही आपको कोई वेबसाइट मिलेगा, ना ही कोई किताबें। अगर मैं कह दूं कि जाओ लेबर ला ले लो, लेबर ला की किताब ले लो, समझ में क्या, इतने दिन में आप लेबर ला पूरा पढ़ के खत्म कर दोगे? नहीं कर पाओगे। उससे गिने चुने प्रश्न जो आते हैं, जो अभी तक प्रीवियस एग्जाम में यूपीएससी के पूछे गए हैं, उनके अकॉर्डिंग पूरी टीम जो है आपको नोट्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार चलाया है और वो पीडीएफ बैच रहा है, इस बार जो हमारा बैच होगा वो पीडीएफ के साथ साथ कुछ क्लासेस आपको वीडियो के फॉर्म में भी दी जाएंगी, ताकि आपकी उसका और तैयारी को हम बेहतर बना सके। तो यहां पर लेबर ला जो आपको सबसे ज्यादा है, सोशल सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है उसे भी हम कंप्लीट कराएंगे आपको। ठीक है, जहां पे आपको दिक्कत है, और अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है, नहीं कुछ तो कुछ चीजें हम आपको नोट्स, क्योंकि टाइम भी कम है तो कुछ नोट्स के हेल्प से आपको पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा आपको, उससे आप पढ़ लेना, क्योंकि ये लेबर लॉ हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, यहां से सिर्फ फैक्चुअल पूछता है आपसे, लॉ से रिलेटेड पूछता है किस लॉ के अंतर्गत हड़ताल किया जाता है, ऐसे ऐसे चीजें होती है, हम प्रोविडेंट फंड आपका किसके अंतर्गत आता है, ये सब चीजें जनरली आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3 टॉपिक जो है आपके लिए नया है। ठीक है, और इसके लिए पूरा, बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं तीनों का मटेरियल मिलेगा, पूरा पैकेज रहेगा आपको, A to Z सब कुछ कवर कराया जाएगा। इस बैच की डिटेल जानकारी आपको दूसरी वीडियो में दे दी जाएगी कि क्या क्या है, कैसे कब से बैच स्टार्ट होगा। जो इच्छुक हैं इस बैच के लिए वो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए कि सर मुझे इसकी तैयारी करना है, ताकि आप जितना लोग सक्रिय रहेंगे उतना ही जल्दी हम बैच को स्टार्ट कर देंगे। तो जितने लोग भी हैं कमेंट जरूर करिएगा, और कोई भी दिक्कत है इस वैकेंसी से रिलेटेड आप इन नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये 2 नंबर हैं, आप व्हाट्सअप करके इस पूरे बैच के डिटेल के बारे में पूछिएगा। वैसे आपको जल्द ही कल या परसों में एक वीडियो, कल शाम तक एक वीडियो दे दी जाएगी कि इस बैच में हम क्या क्या दे रहे हैं। बाकी सभी लोग परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से, वहां पर आपको ये बैच जो होगा जैसे स्टार्ट होगा शो करने लगेगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टेलीग्राम की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां आप ज्वाइन हो जाइए, आपको सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई समस्या कोई परेशानी है आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड, कोई दुविधा है वो जरूर बताइएगा, उसको हम वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देंगे। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।